Hey, what's up? It's your mommy phone or roadies. ये सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? अगर तो तुम्हारे दिमाग में दिल दहला देने वाले स्टंट्स विद स्टनिंग एंड टेबलिस जजेस जैसे कि रन्वीजयसिंघा, प्रिंस नरुला या नेहा धूपिया और साथ ही साथ बहुत सारे डेशिंग कंटेस्टेंट्स आते हैं, तो मुबारक हो, तुम वो 3.5 लोगों के बड़े फैन बेस में से जो इन्हें जानते हैं। है कौन ये लोग? रोडीज में तो वो लकड़बग्गे की शक्ल के दो बासी अमरूद आते थे ना, और कंटेस्टेंट भी तो चोमू चोमू से होते थे। ये रोडीज अच्छे दिखने वाले लोग लेने कब से लग गया? तो अब जब रोडीज की बात निकली है, तो चलो आज मैं तुम्हें आज तक का सबसे ज्यादा क्रिंज, डम और अजीब सा कंटेस्टेंट का रोडीज ऑडिशन दिखाता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है देवर्षि? फर्स्ट क्लास। मैं आपसे मिलना चाहता था यार देवर्षि। देव, मेरे को लगता है कि आप काफी स्पेशल इंसान हो। स्पेशल? अपने बारे में बताओ यार। 21 साल का हूँ, अकेला हूँ। ये क्या इंट्रोडक्शन था? मुझे समझ आ रहा आपकी मोमो जैसी शक्ल और जॉनी लिवर की स्माइल का जेठा लाली कॉम्बिनेशन देख के कि आपसे घंटा कोई नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी डोंट डू जस्ट चिल। ये बंदा सारी चीजें मेंटोस वाली जिंदगी के साथ करता है। समझ नहीं आया, लेट मी एक्सप्लेन। मैयत पर रोना, भैया क्यों रो रहे हो? रिश्तेदार थे क्या? रिश्तेदार थे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये है आम जिंदगी, मैयत पर रोना। इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया? भाईजान क्यों रो रहे हो? रिश्तेदार थे क्या? नहीं नहीं, पता नहीं कौन पड़ा हुआ है। मैं तो बस वो 21 साल और अकेला हूँ ना, तो इसलिए रो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा ठीक 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 ठीक, चलो चलो। ये है देवर्षि की मेंटोस वाली जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। 21 साल का हूँ, अकेला हूँ। अकेला हूँ मतलब? आए हाय, इंटरेस्ट देख रहे हो खोतों के सरताज का? कती आपस में उंगलियां मिला के अपना ऊपरी शरीर आगे लाकर पूछा है, अकेला हूँ मतलब? अकेला हूँ मतलब? अकेला हूँ मतलब? तारे जमीन पर, अकेला हूँ मतलब? ये स्टैक प्रेजेंटेशन क्या होता है यार? हाँ यार, ये तो थोड़ा नया लग रहा है। ये स्टैक प्रेजेंटेशन क्या होता है? स्टेज है। स्टेज है? ओ, तुम 2 रुपी पीपल जो बोलते हो ना कि रोडीज के ऑडिशन सिर्फ अनपढ़ लोग देते हैं, यू इडियट्स, रॉन्ग ऑल आर। गलत हो तुम, तुम्हारी पिछड़ी थिंकिंग। रोडीज एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑडिशन देने वाले भी अनपढ़ और साथ ही साथ ऑडिशन लेने वाले भी अनपढ़, समझ रहे हो? कोऑपरेशन चल रहा है, अनलिटरेट पीपल। स्टेज प्रेजेंटेशन क्या होता है? दैट आई एम अ सिंगर। गाइ, ओके। कौन का गाना गा रहा हूँ? हाँ जी। अगर तो ये एक्टिंग कर रहा है, वेरी नाइस। और अगर ये असल में ऐसा है, तो आज ही मैं मोची बनने की ट्रेनिंग करूंगा, और क्योंकि इसका दिमाग खराब है, मैं इसकी लंग्स का एक्सरे निकाल के इसका कमर दर्द ठीक करूंगा। कुछ सेंस नहीं बना ना? एग्जैक्टली। अभी तू एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर 2 टकले बकरियों के सामने बैठा है, जिन्होंने जस्ट अभी अभी गाने की फरमाइश सामने रखी है, जिससे डर के तुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन महाशय चश्मे बदल रहे हैं। जी मेरा क्या कहता है, क्या मैं बताऊं? तुम ये समझो कि शायद मैं पागल हूँ। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, बोले क्यों है सभी? सोचा है ये तुमने क्या कभी? सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। Expect the unexpected. I already expected the expect of the accept of the unexpected of the expected.
ये एक रियल रोडी की अंग्रेजी थी। तुम पीएचडी वाले गवारों को नहीं समझ में आएगी, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ तुम्हारे लिए। इसका मतलब ये था कि मुझे पहले ही लगा था कि ये 7 सुरों में से 8वां सुर लगाने वाला है। इट वॉज एक्सपेक्ट। ये आपको इतनी हिम्मत आप कहाँ से लाते हो कि स्टेज पे जाके ये सब कर दो? आपने जो गाना गाया उस टाइप का गाना आप स्टेज पे जाके कर देते हैं? हाँ, किसी का कर लेते। आपके दोस्त आपको बोलते हैं आप तोड़ो? हाँ, मेरे दोस्त तो लाइक दे आर ऑल क्रेजी फॉर मी। हाँ, ये बात मैंने इनकी बिल्कुल मान ली, और मैं तो इनके दोस्तों को भी जानता हूँ। ये देखो, ये पहला दोस्त और ये दूसरा दोस्त। टिप टिप बरसा पानी, हे टिप टिप बरसा पानी, हे पानी में आग लगा दो। ये तीनों दोस्त इकट्ठे बैठ के चश्मे बदल बदल के पत्ते खेलते हैं। मैं तेरे को कुछ सच्चाइयां बताना चाहूंगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, भी डिफिकल्ट हो सकता है कि हम गलत हो, तुम्हारे दोस्त सही हो सकता है, तुम्हारे ऑफिस वाले सही हो, तारे मारते तुम्हारे गाने पे। एक्चुअली तारे जमीन पे। हाँ, आमिर खान का देखा ना, कुछ वैसा कॉन्सेप्ट है। ओनली थिंग इज दर्शील वाज मोर इंटरेस्टिंग, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सही उड़ाई है बंदे की। बाकी पता क्या है, ये सेम रेड लाइट पे होगा एक स्कूटर में, ठीक है, सेम रेड लाइट है। बाकी सबके लिए वो रेड लाइट है, इसके लिए वो डिस्को लाइट है, और ये डिस्को ड्रेस में है, और सब लोग तालियां मार रहे हैं उसके लिए। ये है इसका दुनिया, देवर्षी की दुनिया। नाइस टू हियर दैट, बट दैट्स रॉन्ग। You hate this टकला और you love this टकला। ये बेस्ती है जबरदस्त मारता है, ये मानना पड़ेगा। अब इतनी ज्यादा खुली खोपड़ी है तो क्रिएटिविटी तो घुसेगी। Nice to hear that, but that's wrong। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। गेमिंग चैनल पे 100 हो चुके हैं, अब जल्दी से 200 करने हैं, और इस पे 200 हो चुके तो अपने को 300 करने हैं। तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दो अपने इस चैनल के बारे में, और अपनी जल्दी से फैमिली ग्रो करते हैं, समझ रहे हो, फैमिली का अपन तो भाई है सारे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। पीस।